Hi guys, this is Martin Sharma and you're watching Cycling on Nothing, and welcome back to my channel. And if you're new to this channel, then please consider subscribing. And today I'm going to tell you that how to fix puncture on a road bike. So let's get started. हाँ तो गाइस, पंचर लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। हाँ तो सबसे पहले हमें चाहिए पंचर किट। इसमें चार पैचेस दिए हुए हैं और वो ग्लू दी हुई है जिसके थ्रू हम पंचर अपने उस पर ट्यूब पे चिपकाएंगे। और गाइस, दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए पंचर लगाने के लिए वो है टायर लिवर्स जिसके थ्रू हम अपना टायर खोलेंगे। और गाइस, तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है एक मिनी पंप जिसके थ्रू हम अपने ट्यूब में हवा भरेंगे। और गाइस, लास्ट चीज़ जो हमें चाहिए पंचर लगाने के लिए वो है एक पानी की बाल्टी जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि हमारा पंचर हमारे ट्यूब में कौन सी जगह हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पंचर कैसे लगाया जाता है। हाँ तो गाइस, पंचर लगाने के लिए हमें सबसे पहले अपने टायर की ट्यूब निकालनी पड़ेगी और वो हम करेंगे विद हेल्प ऑफ दीज टायर लिवर्स। और ये ध्यान रखना है कि ये जो जहाँ पे इसकी ये है पिस्टन वाल्व है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड हम ये डालें ताकि ये इसके आसपास इतना इफेक्ट ना पड़े। और इसमें एक ये ऐसे डालना और बाकी दूसरा इसकी थोड़ी सी दूरी पे। इसका ये वॉल खोलना है, फिर उसके बाद इसको लूज करने के बाद ट्यूब निकालने के बाद हमें पंप के थ्रू इसको भरना है। अब उसके बाद इसको पानी में डाल के देखना है कि पंचर हुआ है तो कहाँ हुआ है। हाँ तो गाइस, मिल गया पंचर। बाद इस ग्रीसिंग पेपर से, स्क्रैचिंग पेपर से इसे घिसना है ताकि पंचर जो है वो खोए ना।
और गाइस एक बारी पंचर मिल जाए तो उसके बाद हम चाहे तो उस पर मार्क कर सकते हैं, या फिर अगर पंचर इतना बड़ा है कि हमें बहुत ईजीली विजिबल हो रहा है तो फिर इतना मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये पंचर यहाँ पे है तो ये मैं मार्क कर रहा हूँ इस पर ताकि अभी जब मैं वो करूँ तो मेरे को ईजीली मिल जाए, ये टूटने की ज़रूरत ना पड़े। पंचर को ऐसे कवर करके आप इसकी सारी हवा निकाल सकते हैं। उसके बाद एक बारी पंचर लगाने के बाद आप इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं ताकि ये इधर उधर ना हो, मूव ना करे। And it will look like this. उसके बाद आप इसको ओवन प्रेस कर सकते हैं ताकि ये इधर उधर ना हो और पंचर जहाँ हुआ है वहीं पे ही रहे पैच। और एक बारी जब ये हो जाए उसके बाद एक और बारी इसको पूरा हवा से भरो, अरे मतलब ताकि टेस्ट करने के लिए। एक बारी पैच लगा दिया उसके बाद आप इसका पूरा हवा निकाल सकते हैं ताकि आप एक बारी बस एंड आई थिंक इट्स रेडी। टायर में डालने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें टायर का ये देखना पड़ेगा कि इस टायर में ऐसा कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिसने टायर को फाड़ा है, पर हमें बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा क्योंकि अगर उसने टायर फाड़ा है तो वो बहुत ईजीली हमारी स्किन को भी मतलब हमें भी इंजर्ड कर सकता है, हमारी स्किन भी फाड़ सकता है। और अब जब अब एक बार ही हमने टायर चेक कर लिया कि इसमें कुछ है या नहीं तो उसके बाद हम सीधा सीधा इसको ट्यूब को वापस टायर के अंदर डाल देंगे। और ये डालना भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने निकाला था। सबसे पहले इसका जहाँ पे वॉल्व है वहाँ से ट्यूब को अंदर करेंगे। Thank you.
जैसे ट्यूब इसके अंदर चली जाएगी उसके बाद हमें ये देखना है कि ट्यूब इसके नीचे मतलब टायर के बिल्कुल नीचे की तरफ हो जाए, जब हम ऐसे देखें तो ना देखें। और उसके बाद टायर को अंदर करने के लिए हमें टायर लेवर्स की इतनी ज़रूरत शायद ना पड़े, क्योंकि हम अपने थंब से भी कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स से। सभी अगर थोड़ा सा बच जाए और ना हो फिंगर्स की हेल्प से, तो हम वापस हायर लेवल्स की हेल्प ले सकते हैं, उससे ये बहुत इजीली हो जाएगा। Finally, it's done. और अब बस लास्ट चीज बची है और वो है इसमें हवा भरना। एंड इट्स डन। और उसके बाद अगर आपको उसके बाद जैसे ये वो करना डिसाइड कि पूरा हुआ है नहीं, तो आप एक बार इसको घुमा के देख सकते हैं, और अगर ये बिल्कुल सीधा घूम रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। एंड फाइनली इट्स डन। और अब इससे बस सीधा इसे साइकिल में लगा दीजिए और अब इसके बाद पहुँच लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और अब आई होप कि आपको ये पंचर लगाने वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको और कुछ सजेस्ट करते हो तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए और मैं आपको उस पर वीडियो बनाऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड।